गुड मॉर्निंग। तो हमारे प्यारे बच्चों, अच्छा नाइन से हिंदी हम लोग कबीरदास के साथी को पढ़ रहे थे। आइए अगले साथी पे चलते हैं। तो साथी के दोहे पे कबीरा जी चमकिया जल्दी से लागी जाए, हरि सुमिरन हाथ घड़ा धीरे धीरे उठ जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यस, इस संसार में चारों तरफ जब विषय वासनाओं की आग लगी हुई थी, तो मेरे भी मन में विषय वासनाएं जल रही थी। मेरे भी शरीर में, मेरे भी तन में, मन में विषय वासना की आग लगी हुई थी, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासना मर रही थी। आगे फिर कहते हैं, हरि सुमिरन हाथों घड़ा वीर लेउ बुझाए। कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, तुम्हारे हाथ में स्मरण रूपी ईश्वर, हरि रूपी ईश्वर रूपी स्मरण घड़ा घड़ा है। तुम इसे क्या करो, उस वेग उस घड़े के जल से तुम अपने विषय वासना की आग को बुझा लो। तो पुनः देखते हैं हमारे बच्चे, कबीरा चित चमकिया चौधरी सिला दी जाए, हर सुमिरन हाथों घड़ा वेग लेउ बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई थी, तो मेरे भी मन में विषय वासना की आग जल रही थी। आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, तुम ईश्वर रूपी स्मरण रूपी जो घड़ा लिए हो, उस घड़े से तुम क्या करो, उस विषय वासना की आग को बुझा लो। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इसका व्याख्या। आइए देखते हैं, इसमें लिख लीजिएगा क्या कहते हैं कि काव्य का सौंदर्य जो होगा इसमें आएगा कि इस जल से भरा हुआ घड़ा जो है उसका रूप देके भावाभिव्यक्ति, सुंदर भावाभिव्यक्ति की गई है। भाषा संप्रिय है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास और शान रूपक है। इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों हम लोग अगले दोहे पे चलेंगे। अखड़िया झाई पड़ी कौन बिहारी बिहारी जी, बढ़िया छाला पड़ी हो राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं, उस ब्रह्म का उस ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरे आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया है। मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने ईश्वर को, उस ईश्वर को याद करते करते, मेरे रास्ते को देखते देखते मेरे आंखों के सामने जो है अंधेरा छा गया है। जी बढ़िया छाला पड़ी हो राम पुकारी पुकारी। और उस ईश्वर को याद करते करते, पुकारते पुकारते मेरे जीवों में छाले पड़ गए हैं। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों इसका भी काव्य का सौंदर्य जो है यहाँ पे विरह वेदना में जो है विरह में व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया गया है। भाषा सुंदरी है, छंद दोहा है, रस शांत है और अनुप्रास अलंकार है। तो हमारे प्यारे बच्चों इन दोनों दोहे का अर्थ हम देखे हैं। अब अगले दोहे पे हम चलेंगे, अगले साथी के दोहे को देखेंगे। तो दोहा यहाँ लिखा हुआ है, कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत से बहना काल का कछ मुख में कुछ बोध। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चे पुनः देखते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत से बहना काल का कछ मुख में कुछ बोध। तो इसका शब्दार्थ देखते हैं, जो कठिन शब्दार्थ है जिसके शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहले सुख मने आनंद, मन मोद मने मन में खुशी, मन की खुशी जो होती है उसी को मनमोद कहते हैं। जगत मने संसार, काल मने मृत्यु, गोद मने अधिकार या गोदी। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे बच्चों इस कठिन शब्द के अर्थ को हम लोग जाने हैं। अब आइए हम लोग इसके व्याख्या पे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत से बहना काल का कछ मुख में कछ बोध। कहते हैं कबीरदास की, हे मनुष्य, इस संसार में जो तुम सुख को सुख मानते हो, अपने शरीरों पर जो घमंड करते हो, गर्व करते हो, यह बहुत क्षणिक है, थोड़े ही समय के लिए है। जब तुम्हारे ऊपर काल का पहर होगा, मृत्यु का पहर होगा, तो यह सब नहीं चलेगा। तुम्हारा जो घमंड है वो नहीं चलेगा। कुछ तुम्हारे हाथ में रह जाएगा और कुछ मन में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों पुनः एक बार देखते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत से बहना काल का काहू कछु मन में कछु मुख में कछु बोध। कहते हैं कबीरदास जी की, हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है, अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, गर्व करता है। जब ते
व्याख्या हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग कार्य का संदर्भ में चलते हैं। तो इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर की नश्वरता का मार्मिक चित्रण किए हैं, जहाँ वर्णन किए हैं, और भाषा सदुपरी है, रस शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक है। इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों हम लोग इस दोहे के अर्थ को जाने, काव्य का सौंदर्य को जाने। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। अगले साथी पे चलेंगे, साथी के अगले दोहे पे चलेंगे काव्य का सौंदर्य सहित। तो आइए सबसे पहले हम दोहे को देखते हैं। कबीरा कहा गरबियो ऊंची देखी आवास, काले करियो भवे लोटड़ा ऊपर जाने घास। तो ये दोहा है कबीरदास का। इसका संदर्भ ये है, शब्दार्थ ये है, गरबियो घमंड करना, आवास मने निवास, काले मने कल, भवे मने धरती पर या भूमि पर। तो इस पद इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हैं। आइए हम लोग अब व्याख्या पे चलते हैं। कबीरा कहा गरबियो ऊंची देखी आवास। कबीरदास जी मनुष्य को संकेत करते हुए कहते हैं कि जीव को संकेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम भौतिक आवासों को देखकर, बड़ी बड़ी आवासों को देखकर घमंड क्यों करते हो? ये भौतिक वस्तुएं जो है वो नश्वर है, कुछ ही क्षणों के लिए है, कुछ ही दिनों के लिए है, कुछ ही दिनों में ये देखकर भूमि पर समाप्त हो जाएंगी। और इस पर क्या हो जाएंगे? काली करो भवे लोटड़ा, और कुछ ही दिनों में ये भूमि पर गिर जाएंगी, ऊपर जाने घास, और इसके ऊपर क्या है, घास फूस जम जाएंगे। यानी सांसारिक सुख जो है वो कुछ ही दिनों के लिए नश्वरता में मिल जाएगी और इस पर घास फूस जम जाएंगे। तो पुनः आइए एक बार और देखते हैं। कबीरा कहा गरबियो ऊंची देखी आवास, काले करो भवे लोटड़ा ऊपर जाने घास। कबीरदास जी जीव को संकेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर घमंड क्यों करते हो? ये भौतिक वस्तुएं जो है वो कुछ ही दिनों के लिए है, नश्वर है, कुछ ही दिनों में धरती में गिरकर मिल जाएंगी और इसमें घास फूस जम जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे बच्चों हम लोगों ने व्याख्या को देखे हैं। अब आइए काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। संसार की छठभूता का वास्तविक वर्णन इसमें किया गया है। इस दोहे में कबीरदास का भाषा सदुपरी और पंच में खिचड़ी है। तो यहाँ पे भाषा सदुपरी लिखिएगा, रस शांत है, ये छंद जो है दोहा है, तो दोहा में आएगा, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य देखे। अब आइए अगले दोहे पे हम लोग चलते हैं। ये है यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिग्गज के व्यवहार और झूठे रंग रूप। कबीरदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि हे मानव, ये संसार जो है असत्ता जो है, संसार का नश्वरता जो है बतलाते हुए कहते हैं कबीरदास की ये मनुष्य, संसार जो है एक सेमल के फूल की भांति है, जो देखने में तो सुंदर है, आकर्षक है, किंतु इसमें कोई रंग नहीं है। जैसे सेमल का फूल जो होता है वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें पशु पक्षी जाते हैं, बैठते हैं, मंडराते हैं, सुंदरता को देख के लुभाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या मिलता है, बस रुई ही रुई मिलती है, उसमें और कुछ नहीं मिलता है। इसी से कबीरदास संसार को सिमल के फूल जैसा बताए हैं और कहते हैं कि ये मनुष्य, ये संसार जो है एक सिमल के फूल के जैसा है, दिग्गज के व्यवहार को झूठे रंग न दूं। कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जीव संसार के अकाल्पनिकता या रंगहीन में तुम लोग भूल मत जाना, उसे उसका झूठा रंग जो है सच्चाई को मत भूल जाना। ये संसार जो है सिर्फ सेमल, जैसे सेमल का फूल होता है उसी तरह से है, जिस प्रकार से वो देखने में तो सुंदर होता है, लेकिन जब वो उस पे पक्षी बैठता है, पक्षी उसको ललाई धोकर जाता है, उसको बैठता है, तो उसमें और कुछ नहीं मिलता है, बस रुई मिलता है। इसी तरह से यह संसार भी है, जो सांसारिक मोह माया से तुम बचे रहना कि यह कुछ ही दिनों के लिए है, यह सुंदरता जो है क्षणिक है, कुछ ही दिनों के लिए है। तो हमारे प्यारे बच्चों इस दोहे का हम लोग अर्थ देखें, इसमें शब्दार्थ है, देख लीजिएगा, सेमल सेमल मने सेमल का फूल होता है, दस दिनों में कुछ ही दिनों के लिए, क्षण भर के लिए मान सकते हैं, व्यवहार मने
व्यवहार रंग मैंने मस्ती यानी जो सुख है सुख को कहा गया है क्रिया विचारों के लिए है। काव्य का सौंदर्य सांसारिक गुणों में न फंसने का संदेश दिया गया है। भाषा सत्प्रिय मैथिलीदास की रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार जो है उपमा है क्योंकि यहाँ सिंबल का सिंबल की जैसे बताया गया है। तो पुनः एक बार हम इसकी व्याख्या को हम एक बार और देखेंगे। यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल दिन दस के व्यवहार और झूठे रंग रूप। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों तुम जान लो कि यह संसार जो है ठीक उस सिंबल के फूल की भांति है जो देखने में तो सुंदर होता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है। ठीक यह संसार भी उसी प्रकार से है। यह कुछ ही दिनों के लिए हम लोग का सांसारिक मोह मस्ती जो है वो कुछ ही दिनों के लिए है। इस बात की वास्तविकता तो मच्छी ठीक प्रकार से जान लो। तो आप अब हमारे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले दोहे पे चलेंगे। तो साखी समापन की ओर है। तो हम लोग दो दोहे बचे हैं इनके काव्य का सौंदर्य को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यह तक काचा कुंभ है लिया गिरे था साथ, धक्का लगा फूट गया कछु न आया हाथ। तो ये दोहा है। इस दोहे का जो इस दोहे में कठिन शब्द आया है इनके शब्दार्थ को देखें। काचा मने कच्चा, कुंभ मने घड़ा, घड़े को कुंभ कहते हैं। धक्का मने धक्का, थोड़ा सा भी धक्का लगता है उसे कहते हैं। तो आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को व्याख्या के अनुसार चलेंगे। ताई पहले व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तक काचा कुंभ है लिए फिरे था साथ, धक्का लगा फूट गया कछु न आया हाथ। कहते हैं कबीरदास जी हे मनुष्य तुम ये सुंदर शरीर को अपने साथ लिए घूमते हो, जिस पर घमंड करते हो, गर्व करते हो, वह मात्र एक कच्चे घड़े के समान है जो तनिक भी धक्का लगेगा तो टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर है, यह शरीर जो है मृत्यु होने पर इसमें से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह शरीर जो है नश्वरता है, इस पर घमंड क्यों करते हो। तो आइए पुनः देखते हैं मेरे बच्चों इसके व्याख्या को। यह तक काचा कुंभ है यह शरीर जो है एक कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, कह रहा है इसे तुम लिए फिरते हो, अपने साथ लिए घूमते हो, यह मात्र एक कच्चे घड़े के समान है। धक्का लगा फूट गया कछु न आया हाथ। जिस प्रकार के घड़े को थोड़ी सी धक्का लग जाती है तो घड़ा टूट जाता है और उसमें भरे हुए सामान जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो गिरकर नष्ट हो जाता है। ठीक यह शरीर भी तुम्हारा उसी प्रकार है, जब ये मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, इस नश्वरता को प्राप्त हो जाएगी, इस शरीर से तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों इस शरीर को एक घड़े की तुलनात्मक वर्णन करते हुए इस दोहे को दिए हुए हैं। अब आइए काव्य का सौंदर्य पे चलते हैं। मानव शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया है जो हम देखे हैं। भाषा इनकी सदगुणी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार रूपक और अनुप्रास है। इसी प्रकार हम लोग अगले दोहे में चलेंगे। अगला दोहा है आपका कविया कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलव्यो ना जो काजली भुजा काजली भुजा भुजा। फिर से देखते हैं बेटा। कविया कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलव्यो ना बिछड़िया मिलव्यो नहीं जो काजली। एक बार इसका पहले शब्दार्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ देखिए सुरंग यहाँ दिया है। सुरंग सुरंग बने क्या होता है सुंदर। इसके पहले वाले पद में हमने गर्भियों पढ़े थे जिसका अर्थ होता है भवन। काजली बने यहाँ काजली दिया है, काजली बने कीचड़ी जो सांप अपने ऊपर का छिलका हटाता है उसका ऊपर का चमड़ी हटता है उसे कीचड़ी कहते हैं। भुजंग बने सांप या सर्प को भुजंग कहते हैं। तो आइए हम इसके अर्थ को जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कहा गरबियो हे मनुष्य हे प्राणी तुम अपने शरीर की सुंदरता पर घमंड
देख देख सुरंग सुंदर शरीर को देख करके अपने सुंदर शरीर को देख करके घमंड क्यों करते हो? बिछड़िया मिलो ना, ये बिछड़ जाएगा, पुनः मिलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो पांचवी भुजंग जिस प्रकार से सर्प जो है अपनी केजुली को छोड़ देता है, पुनः उस केजुली को नहीं वो धारण कर सकता है, ठीक ये शरीर भी उसी प्रकार से है। एक बार यह मृत्यु हो जाएगी तो दोबारा तुमको इस शरीर को प्राप्त नहीं होगे। तो फिर सुना सुनिए बेटा, आगे हम लोग फिर चलते हैं इसी पर। पुनः कबीरा कहा द्रव्यो, देख देख सुरम, हे मनुष्य हे प्राणी, तुम अपनी शरीर की सुंदरता को देखकर घमंड क्यों करते हो? यह शरीर की सुंदरता नश्वर है, क्षणिक है। जिस प्रकार से बिछड़िया पीहो ना, जो काचली भुजंग जिस प्रकार से सांप जो होती है, सांप जो है वो अपनी केजली को छोड़ने के बाद वो फिर से धारण नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर है, यह नश्वर शरीर भी तुम्हारा है। एक बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद तुम पुनः इस शरीर को नहीं धारण कर सकते हो। इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने काव्यगत सौंदर्य को देखे, व्याख्या को देखे, अब आगे काव्यगत सौंदर्य में चलते हैं। तो नश्वर मनुष्य के नश्वरता को यहाँ पे सुंदरता से व्यक्त किया गया है। भाषा सदुपरी है, जहाँ तक हम जानते हैं कबीरदास की भाषा जो है सदुपरी पंचमेश से करते हैं, वही मिलती है, रस शांत है। यहाँ छंद ये दोहा है और अलंकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो हमारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग साकी को यही समाप्त करते हैं। अब अगले